हेलो सर, पेन ड्राइव की डिलीवरी कल होने वाली है। कब? कल सुबह। खबर पक्की है? यस सर, बिल्कुल खबर पक्की है। बंदा है क्या? बहुत होशियार समझता है ना अपने आप को। होशियार तो मैं हूं।
कांगिया। साला फिर निकल गया हाथ से। तो बोल। हेलो भाई, मैं जो जो बोल रहा हूँ भाई से बात करा। भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं। भाई टीटू का फोन है। बोल, पेन ड्राइव मिली क्या? भाई पीडी तो मिल गई थी, लेकिन ऑफिसर रहमान ने फिर हमसे सुनी। तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं हुआ। भाई पता है गलती तो मेरी है, लेकिन अब जहां भी वो मिला तो तुम्हारे सारे कंट्रोल टीटू कंट्रोल। मुझे पता है तेरा गुस्सा खराब है, लेकिन तेरा गुस्सा मेरे नुकसान की वजह न बन जाए। ठीक है भाई, फिकर मत करो, मैं संभाल लूंगा, ढूंढ लूंगा उसे, यहीं कहीं आसपास होगा। क्यों बनना चाहता है कुछ पलों का मेहमान? हेलो सर। हाँ रहमान बोलो। सर पेन ड्राइव तो मेरे हाथ लग गई है, पर मेरी गन गिर चुकी है और वो लोग अभी भी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तुम कहाँ पर हो? सर मैं अभी MDA के आसपास हूँ। ठीक है, तुम ऑफिसर अर्जुन के घर पहुंचो, मैं तुम रितु के साथ वहीं मिलता हूं। ओके सर, श्योर सर, आई विल बी देयर। ओके थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे अर्जुन। ओह थैंक यू सो मच रितु। हाँ तो आज पार्टी कहाँ है? अरे तुम लोग जहाँ चाहो यार, तुम लोग जहाँ चाहो वहाँ पार्टी करेंगे, बताइए। ठीक है। हाँ तो ऑफिस कितनी देर में आ रहे हो? अरे ऑफिस भी आ जाएंगे यार, एक्चुअली है क्या कि जो हमारे छोटे साहबजादे हैं ना, उनका थोड़ा सुबह सुबह उठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी रितु को टाइम लग रहा है, सो रहा है अभी तक, तो वो सो के उठ जाए, ऑफिस आता हूँ पार्टी करते हैं। ये भी ना रिक्की भी। ओके ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं ऑफिस में, बाय, टेक केयर। ओके बाय बाय। हाँ रितु। हेलो। तुम घर पे रहना, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। क्यों सर? हमें ऑफिसर अर्जुन के घर जाना है। ओके सर। ओके। हे भगवान, ये रिक्की भी ना। रिक्की, अरे टाइम देख भाई, कितना हो गया, उठ जा मेरे भाई। रिक्की, ओ रिक्की। आया भैया, बस 5 मिनट।
दे भाई। अरे क्या हुआ? बैठिए। क्या यार रिक्की, ये रोज का देर से उठना। भैया आप चुप रहिए, लीजिए दिस इज फॉर यू। अरे अरे भैया ये रखने के लिए नहीं दिया है, ये लगाने के लिए दिया है आपको। हटाओ, मैं लगाता हूँ। अरे मैं लगा लूंगा यार। क्या रिक्की तू भी रहा? अब लग रहा है ना मेरा गिफ्ट। अरे यार चल अब नाश्ता कर ले। अरे मेहमान तुम? क्या हुआ? अरे ओके राणा के आदमी। राणा के आदमी? राणा के आदमी मेरे पीछे पड़े हुए। लेकिन क्यों? खबर पक्की है ना? ऑफ कोर्स सर, मुझे पता चला है कि बांग्लादेश की बहुत बड़ी मेडिकल कंपनी ने वायरस और उसका एंटीडोट दोनों तैयार किया है। पहले वो वायरस पूरे इंडिया में फैलाएंगे, फिर उसे महंगे दामों पर उसका एंटीडोट बेचेंगे। वैसी सर, क्योंकि राणा एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है तो इस काम का जिम्मा उसे दिया गया है ताकि वो यहाँ के सप्लायर्स को वायरस सप्लाई कर सके। वैसे भी राणा इंडिया का और हमारा पुराना दुश्मन है, ये सही मौका। ये वही पेन ड्राइव है जिसे इंडिया में तबाही के मकसद से लाया गया है। अच्छा, इसमें वायरस उसका एंटीडोट दोनों का डाटा है। मैं बड़ी मुश्किल से इसे राणा के आदमियों से छीना है और हमें सेफली इसे हेडक्वार्टर तक पहुंचाना है। ओके, वहां से निकलते हुए मेरी गन भी गिर चुकी है और मुझे पक्का यकीन है वो मेरे पीछे जरूर आएंगे यहां तक। ओके, नाउ टेल मी और सीधा सिटी पार्क पहुंच। अगर मैं वहां आधे घंटे के अंदर नहीं आता हूँ तो ये पेन ड्राइव सीधा तू हेडक्वार्टर लेके जा रहा हूँ। पर भैया मैं तो कॉलेज जा रहा था। कॉलेज वाली छोड़, पहले जितना बोला मैंने उतना करो। चलो भैया, इज एवरीथिंग ऑल राइट? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं बेटा सब ठीक है, तू जा। हाय, अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है पंडित होगा। लेकिन भाई अगर पीटी की डिलीवरी सही टाइम पर नहीं दी तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। चिंता मत कर छोटे, आज तक पंडित से लोहा लेने वाला पहला नहीं हुआ। लेकिन भाई मुझे टेंशन पैसों की नहीं है, तुम्हारी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये सब है तो गलत ना? ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? पंडित के लिए सब कुछ पैसा है, पैसा है तो सब सही, अगर पैसा नहीं तो सब गलत।